तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ी सी अभी अधूरा है, इसे पूरा हो जाएगा तो हम लोग अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। कुछ ही देर में ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आवाज आ रहा होगा कुशाग्र जी, कृति श्रीवास्तव जी, अजय प्रताप जी, यस सर, आवाज आ रहा है। हाँ संजय जी, संजीव जी, रूपाली जी। तो क्वेश्चन को उनको दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि मैं ही केवल हिंट करूंगा। क्वेश्चन को करेंगे, ये 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस 7 क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। फिर आपकी कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये 7 क्वेश्चन को बना लिया है, या जो वीडियो बाद में भी देखेंगे, अगर इस 7 क्वेश्चन को आपने बना लिया है तो आपको फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन ही मेन है। अजय प्रताप जी, सर, कैमरा खोलिए, रजाई में हो, नहीं सर, तब ठीक है। कुशाग्र सत्यम जी एंड कृति श्रीवास्तव जी, क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सब लोग देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फेल व्हेन द फर्स्ट यूज इज 0.10, 10% फेल कर जाता है, तो कितना परसेंट बच जाता है? 90%, यानी यहां कंप्लीमेंट का यूज होगा। इफ डज नॉट फेल इमिडिएटली द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी टेस्टेड फॉर द 1 ईयर 0.99। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू कंपोनेंट विल बी लास्ट फॉर 1 ईयर? तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अगर ई को 0.10 मानते हैं तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि दोनों को हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट 1 होना चाहिए, इसलिए वहां पर 0.90 हो गया। बना दो तो वहां पर फाइनल क्या हो जाएगा? 0.90 इंटू 0.99। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग को आ गया है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 3 ग्रुप ए बी एंड सी क्या है? कंटेस्टिंग फॉर द सीट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। द प्रोबेबिलिटी दैट विनिंग आर 0.5, फिर क्या लिखे हैं? 0.3 एंड 0.2। 0.2 लिखे हैं, पॉइंट छोड़ दिए हैं। रेस्पेक्टिवली
इफ द ग्रुप ए वेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट 0.7 एंड द corresponding probability group B and C 0.6 and 0.5 respectively. Find the probability of the new product will be introduced. बना दो क्वेश्चन, सब लोग समझ गए हैं? इसको यहां पर बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? टोटल प्रोबेबिलिटी. आवाज नहीं आ रहा है कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, संजीव जी? हाँ सर. यस सर. इसका यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आपको आंसर हो जाएगा. और यहाँ पर यही आगे चल के पेस थ्योरम में सैंपल स्पेस बनेगा. यही आगे चल के पेस थ्योरम में क्या बनेगा जल्दी बताओ? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये आ गया करने सब लोग को सैंपल स्पेस. हाँ, यानी यह जो कहना चाह रहा है वो मैं एक बार थोड़ा सा कह देता हूं. मुझे आना पड़ेगा, एक मिनट आना ही पड़ेगा स्क्रीन पे. यहां ध्यान दीजिए, ये बना कैसे है? यहां ध्यान दीजिए, ये बना कैसे है ये सोचो. तुम भी इसको नोट कर लो. ये एक इवेंट है. यहां सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर रेट से, रेट रेट से? यस सर. आज मंगलवार का दिन है. यहां पर तीन डायरेक्टर के लिए रेडी हैं. ये बी, ये है ये बी है ये सी है. तीन डायरेक्टर साहब रेडी हैं. क्लियर बात है कि डायरेक्टर है तो कंबाइंड नहीं ना चाहेगा, पता है कि नहीं? कि लोगों का अगर अपने के बीच में झगड़ा करवा देना है, इलेक्शन करवा दो. समझ गया, सब जगह जाएगा. अभी देखो चुनाव हो रहा है मेयर का, और कुशाग्र जी अपनी माइक को बंद कर दें और बहन को बोले कि 3 बजे से जुड़ जाएंगे तो उनकी आवाज सुना जाएगा. और अभी नहीं, अभी यहां पर सुना जाए. अगर किसी में झगड़ा करवाना ना, जैसे अभी तीन को तुम लोग ऑनलाइन हो, तीनों को हम इलेक्शन करवा देंगे, तीनों एक दूसरे का दुश्मन बन जाओगे. यानी ये घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा. समझ में आया? ऐसे कोई आदमी कहेगा कि हम मेयर है तो उसी का वोट दे दीजिए, सब बोलता है कि हम अच्छा ही है. खराब तो कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर, समझ गया? खराब है केवल जनता. यहां ध्यान दीजिए. तो अब यहां पर हम देखेंगे कि एबीसी, तो यह बात समझ में आ गया है सब लोग को. यानी हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू सैंपल स्पेस. यहां तक किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत? नहीं. और हम टीचर हैं तो तुम लोग को तीनों को हमको ध्यान देना पड़ेगा कुछ ना कुछ. बोलो भाई. तो मैं रहा, अब मेरा नाम रख दो पी. क्या नाम रख दो? तो देखो मैं सी पर भी ध्यान दे रहा हूं, बोल, मैं बी पर भी ध्यान दे रहा हूं, और मैं ए पर भी ध्यान दे रहा हूं. दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बोलो, दे रहा हूं. अरे बोलो ना, हाँ चाहे ना. दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? हम तीनों पर ध्यान दे रहे हैं, दे रहे हैं. तो यानी यहां पर हम तीनों पर ध्यान दे रहे हैं. यह बात का आपका क्लियर हो गया कि हम तीनों पर ध्यान दे रहे हैं? यस सर. यानी यहां पर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन, अब पी की बात करेंगे तो रिजल्ट पी हो जाएगा. रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलिए? एस इन्वर्सल सेट था, ये पूरी वाली सेट था. बोलो बोलो भाई. हम टीचर हैं तो चाहेंगे ना तुम लोग को तीनों में से किसी न किसी को वोट दिलवा दें, और जिस क्षेत्र का जो रहेगा उस क्षेत्र का दिलवाऊंगा. बोलो हाँ चाहे ना. अभी तो सोचेगा कि पूरा पूरा अगर हमारे बात ही मान लेगा तो मेयर हम जीत जाएंगे. बोलो, फिर तुम लोग को हम हेल्प क्यों करेंगे, अपने खड़ा हो जाएंगे. बोलो सर. यस सर.
यहां तक सब लोग समझ रहे हो? अब यहां पर देखोगे कि एस किसी को माने था, किसको माना था? ए यूनियन बी यूनियन सी को माना था, बोलो माना था कि नहीं माना था? यानी ये वाला तो प्रोबेबिलिटी अगर करेंगे तो पी हो जाएगा, तो यहां पर इसके जगह पर भी हम करेंगे तो सभी में आपको ये आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन पी इक्वल भी पी। और आपको डिस्ट्रीब्यूशन रूल सिखाए थे तो उसमें सिखाया है कि ए इंटरसेक्शन पी यूनियन बी इंटरसेक्शन पी यूनियन सी इंटरसेक्शन पी बराबर पी। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो पी, देखिए पी मानने से थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है, क्यू मान लीजिए। अब बोलिए क्यू का है माने समझ में आया? अरे पी से प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा, बचवा को यह नहीं समझ में आएगा कि पी होगा कि क्यू होगा, अब तो समझ में आ जाएगा ना। अब बताइए इसकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताए थे, याद आ रहा है? तो यहां पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी क्यू बटे ए, बोलो होगा कि नहीं होगा? यह प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है, क्यू बाई ये दिया हुआ है, तो ये वाला बोलो मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? यूनियन का मतलब यस सर, बोलो प्लस होता है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगी, बोलो। और यहां पर इसका रिस्पेक्टेबली कहूं दिया हुआ था तो ये हो जाएगा। अगला डेटा यहां पर क्या है जी? सी। अब उसकी रिस्पेक्टेबली ये दिया हुआ है, बात समझ में आया? आगे चल के यही कहलाएगा सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा? कब? बेस थ्योरम में। कब में? बेस थ्योरम में यही कहलाएगा सैंपल स्पेस। यह बात क्लियर हो गया सब लोग को? कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, रूपाली जी यस हाँ सर, एंड संजीव कुमार जी एंड संजय जी। एक नया बच्चा रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन और टू आ गया है, इसमें किसी को भी समझने में कोई दिक्कत कठिनाई किसी नहीं ढंग हुआ का चाहिए। प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने का प्रयास करते हैं, सफलता हम लोग के हाथों में नहीं है, वो तो कैसे आप समझते हैं इस पर सफलता मिलेगा, क्योंकि सफल आदमी वही होता है जो सफलता को अच्छे से ढूंढता है। और सफल और असफल के बीच में अंतर यही होता है। तो क्वेश्चन नंबर टू अच्छा ही क्वेश्चन है। थ्री? अच्छा दीदी, क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? कृति श्रीवास्तव जी, अजय प्रताप जी एंड कुशाग्र जी, यस सर, समझिए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निमन निमन का हिल जाएगा। कह रहा है कि एक बैग में, एकर मतलब हो वो बैग BAG, समझ ला है? तो वैसे लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ अर्न है, ओ URN। हाँ से समझ। अरे परिवाचिक सब जानो जी, ग्लैड हैप्पी ये सब होता है, सब खुशी 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 के लिए ही होता है, समझ गए? अब उस पर हम नहीं बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि वो बात करने लगेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, समझ गए?
क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी को जानते हैं। इंग्लिश वाला क्या करता है, लव का एक ही मीनिंग लिखता है, लव। यहां पर जो है से मम्मी पापा से होगा तो स्नेह, दोस्तों से होगा तो अलग। तो उस पर व्याख्या ना करें, क्वेश्चन पर आए, क्योंकि 7 क्वेश्चन है अभी। एक बैग में दो गो व्हाइट है और दो गो ब्लैक बॉल है, क्या क्या है जी बताओ। दो गो व्हाइट है और दो गो क्या है, दो वो ब्लैक। ब्लैक बॉल है। ठीक है, बैग में रख लीजिए सब लोग। ब्लैक ब्लैक और व्हाइट व्हाइट भाई रख लिए। अरे मान लिए कि रख लिए, कोई जरूरी है प्रोबेबिलिटी में रख ही आंसर रख करिएगा, लिए। रख लिया। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को, इफ इट इज व्हाइट, इट नो रिप्लेस व्हाइट हुआ तो रिप्लेस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाइट आया तो इट इज नो रिप्लेस, अदरवाइज इट इज रिप्लेस अलोंग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, द प्रोसेस इज रिपीटेड, यह रिपीट होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। क्वेश्चन सब लोग समझ गए होंगे, बोलिए। सर जो बीच वाला सा क्वेश्चन था नहीं समझ में आया। क्या बीच में समझ में नहीं आया, द अदरवाइज इट इज रिप्लेस अलोंग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। सर इसका मतलब क्या है? तो जो कलर आएगा वही कलर को रिप्लेस कर देगा। मतलब सर ब्लैक आया तो क्या है ब्लैक वो दूसरे ब्लैक से रिप्लेस हो जाएगा? ब्लैक आया तो ब्लैक उसके साथ जुड़वा लेके जाएगा, ओ समझ गए सर। हटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है। यही चीज के लिए तो हम तुमको ये 7 क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ सर। इसीलिए तो 7 क्वेश्चन में बता रहा हूं, नहीं तो ये 7 क्वेश्चन बताने की कोई वजह ही नहीं होता। आया चलो, अरे तो हम है ना, हम है ना, बना देंगे, वहां लिखेगी तो ठीक रहेगा। तो यहां पर चूंकि तीसरा गेंदा निकालना है, तो वह 2 गेंद जो निकल सकता है वो क्या क्या निकल सकता है, इस संभावना को देखिए। आपके पास ब्लैक है और व्हाइट है, तो या तो ब्लैक ब्लैक निकल सकता है पहला घटना, या ब्लैक व्हाइट निकल सकता है, व्हाइट ब्लैक निकल सकता है और व्हाइट व्हाइट निकल सकता है, तब ना तीसरा गेंदा निकालिएगा। अरे तीसरा गेंदा निकालने से पहले 2 गेंदा को तो निकालिएगा। तो लिखो यहां पर, या ऐसे चार, फोर पॉसिबिलिटी, देखिए फोर पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी होगा। लिखिए पहला, जल्दी से फटाफट पर लिखिएगा सब लोग, आप लोग लिखिए फर्स्ट, इवन व्हाइट एंड व्हाइट, ई टू
व्हाइट एंड ब्लैक, सब लोग फटाफट लिखे चूंकि 3 मिनट ही बचा हुआ है। E3 ब्लैक एंड व्हाइट, E4 ठीक है। अब देखो लॉजिक लगाना सब लोग, अगर व्हाइट व्हाइट कह रहा है तो व्हाइट के गेंदे में क्या कर रहा है, रिप्लेस नहीं करेगा, यानी 2/4 × 1/3। सब लोग सहमत हैं? कृति श्रीवास्तव जी, अजय प्रताप जी, कुशाग्र जी, यस सर, सहमत है। सेकेंड वाले से देखिए, व्हाइट एंड ब्लैक है। अरे वैसे लिखोगे, इधर का चेहरा दिखा के लिखो ना, व्हाइट ब्लैक है तो 2/4 हो गया, बोलो। और अगला यहां पर निकला, ब्लैक वाला निकालना है तो ब्लैक तो 2 गेंदा ही होगा, बोलो भाई। अगला वाला ब्लैक है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो ब्लैक वाला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। तो ब्लैक गेंदा निकला तो 2/4 हो गया वो वाला, पहला ब्लैक निकलेगा तब ना इंपॉर्टेंट होगा। समय मार देगा। देखिए हरिये, ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, पहला अगर ब्लैक सर निकला सर तो ये 2/4 होगा, बोलिए। ब्लैक कितना निकलेगा तो क्या होगा, और चूंकि ब्लैक निकला तो एक ब्लैक और इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां पर व्हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो व्हाइट तो 2 रहेगा, ये वाला 5 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट बात था, ब्लैक एंड व्हाइट निकालने में इंपॉर्टेंट बात था। सब लोग समझ गए? कृति श्रीवास्तव जी, अजय प्रताप जी, कुशाग्र जी, हाँ सर, अगला यहां पर ब्लैक ब्लैक है तो पहला ब्लैक 2/4 होगा, और चूंकि एक सर ब्लैक गेंदा और रख दी गई है, इसका सर मतलब दूसरे वह 3 हो गया, और यही 3/5 होगा। फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए, समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि समय का कमी मेरे पास बहुत रहता है। 1/6, 2 से 2 आपका कट गया, 4/4 1/3, और यहां पर आपका 4/4 कट गया 1/5, और यहां पर तुमको जो है से ये जो कट गया तो यहां पर 3/10, यह निकालने सब लोग को आ गया है। सर हाँ सर बोलिए, डार्क पेन से लिखिए ना, नहीं दिख रहा है। दोबारा जुड़िए, दोबारा जुड़िए, दोबारा जुड़िए, आप लोग दोबारा जुड़िए, अच्छा मिनट ही, इतना समय डार्क डार्क करके आप लोग समय को ले लिया, दोबारा जुड़िए, दोबारा जल्दी जुड़िए। क्लिप दिया था, बजरंगबली का आज दिन है, और रेड कलर से, तो मैं अभी पीला कलर से इसको मैं कर देता हूं। सब लोग को आवाज आ रहा है? ये हाँ सर, क्वेश्चन, आ रही है। अरे गाना उस घर में गावा जी, काहे को सुनावा था, सुनाना हवा तो रामायण सुनावा, हम राम जी के आदमी हैं, उनके वंशज हैं। अब पीला पीला ठीक बानो, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, समझ गए? एक बैग में, अब सब लोग को दिख रहा है, कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, रूपाली जी, संजीव जी, 2 गो व्हाइट है, 2 गो ब्लैक बॉल है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इफ इट इज व्हाइट इट इज नो रिपीट, अदरवाइज रिपीट अलोंग विथ अदर अनदर बॉल ऑन द सेम कलर, प्रोसेसिंग बाय रिपीट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल इज ब्लैक। यहां ध्यान दो मेरे दोस्तों, पहला घटना हमने कहा इवन घटना, इसमें व्हाइट व्हाइट डाला, बोलो, तो व्हाइट का 2/4
दो बटे चार कुशाग्र जी दिखाई दे रहा है, अब ये व्हाइट निकल गया तो रिपीट नहीं करना है, यानी गेंद को निकाल दिया, तो यहां 1/3 तो 1/6 हो गया। पहला कंसेप्ट सब लोग समझ गया। दूसरा कंसेप्ट में है E2 निकालोगे, क्या निकालोगे? E2 निकालोगे तो E2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये व्हाइट है और ये ब्लैक है, तो यहां 2/4 हुआ। काहे 2/4 हुआ समझ में आया? दो गो व्हाइट था, दो गो ब्लैक था, और व्हाइट गेंदा निकाला गया तो यहां पर ब्लैक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यह 2/3 ही रह गया। यह भी बात समझ में आ गया। E3 घटना जो था ब्लैक व्हाइट था, तो यहां पर ब्लैक गेंदा जो तुम्हारे पास है वो 2/4 हुआ, और तुमको ब्लैक कलर वाला रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तो व्हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ 2/5 हो गया, तो 2/4 × 2/5 तो हल कर दिया, तो 1/5 हो गया। अगला यहाँ पर E4 घटना निकालेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक हो गया, तो ये 2/4, और चूंकि ब्लैक गेंदा निकालने पर ब्लैक गेंदा एक और रखना है, तो यहाँ पर 3 गो ब्लैक हो गया और टोटल गेंद की संख्या 5 हो गया, तो 3/5 तो 3/10 हो गया। यहां तक सब लोग समझ गए? बोलिए कुशाग्र जी, अजय हाँ प्रताप जी, सर, कृति श्रीवास्तव जी, यस सर, यस सर, कुशाग्र जी, रूपाली जी, संजीव जी, या जो भी दर्शक देखेंगे, सो चूंकि हम आपको कंडीशनल का सही डायरेक्शन में सिखा रहा हूं। अब यहां पर देखना है ब्लैक गेंदा, क्या देखना है, यानी प्रोबेबिलिटी भी ब्लैक आने का इवन में, क्या में इवन में है ना, क्या में ये निकलेगा था ना, टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा, बोलो ना, आया था ना, बेस थ्योरम पढ़ाएंगे, बोलो। तो अब बताओ ब्लैक गेंदा के गो है? अब पहला घटना में व्हाइट व्हाइट है ना जी, क्या है एकर मतलब का हुआ? हाँ, तो यानी बी बटे इवन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं, बी बटे इवन का वैल्यू बताइए, क्या आप अर्थ को नहीं समझती हो? अर्थ को अनर्थ में बदल देना सीखना है तो इनसे सीखिए। यहां देखिए, इवन आपका घटना व्हाइट व्हाइट था, ये कह रहा है कि ना निकले तो खाली ब्लैक ब्लैक ना है, तो 2 गो ब्लैक है, आई 2 में से 2 निकलने का ही 100% चांस हो लाई। यह बात समझ में सब लोग को आया कि नहीं आया, बोलो भाई, यस अरे सर, आया कि यस नहीं सर, आया? अगला घटना E2 का करोगे, क्या करोगे? तो E2 को करोगे तो क्या होगा, बताओ। वेरी गुड, आप कुछ दिमाग लगाए, 3/4 होगा। कैसे होगा 3/4, समझ में समझाओ। हाँ हाँ इतना देर के बाद भगवान दिमाग देते हैं, हैं हैं, तो पहले काहे नहीं देते हैं? देखिए पहला वाला क्वेश्चन में समझिए, दोनों अगर व्हाइट निकल गया, दोनों क्या निकल गया, तो व्हाइट का कहानी खत्म, व्हाइट का कहानी, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो गया, बोलो हाँ चाहे ना। अगला यहां पर प्रोबेबिलिटी बी बी अब बाई E2 निकालोगे तो बिल्कुल सही रूपाली जी बोले कि अगर व्हाइट गेंदा और यहां पर ब्लैक गेंदा निकल गया है, और ब्लैक लाने से एक और बढ़ जाएगा, तो 2 ब्लैक पहले से था, एक वो ब्लैक बढ़ गया तो 3 हो गया, और टोटल गेंदा हो गया 3/4।
अगला वाला में बताइए। तीन बटे चार होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तीन बटे चार का है होगा, समझ में आया? बताओ कैसे। हाँ हाँ चार पांच हो जाएगा। हाँ 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 तीन बटे चार। अगला में क्या है? ब्लैक ब्लैक है, बताओ। चार बटे, बिल्कुल सही जवाब है, 2/3। हम समझते हैं कि यह बात समझ में आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो क्या होगा? 1/6 किससे मल्टीप्लाई किया? एक से, तो लिखो 1/6 × 1। अगला वाला 1/3 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3/4 से। अगला क्या करेगा? 1/5 भी करेगा 3/4 से, और अगला 3/10 करेगा 2/3 से, और इसको सॉल्व कर दोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, और सही आंसर आएगा 23/30। हाँ, फाइनल आंसर 23/30 आ गया। कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, क्वेश्चन में देखे तम कितना है? यस सर। हाँ सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। अगला प्रश्न भी बहुत ही मजेदार है, और इसको सॉल्व करेंगे रूपाली जी। आइए, आप लोग भी अगर ऑनलाइन में नहीं रह करके ऑफलाइन में रहते तो आप लोग को भी मौका मिलता। क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 में हमारे संजीव बाबू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूं, सब लोग को समझ लो पहले क्वेश्चन को। रुक जाइए रूपाली बाबू, एक मिनट रूपाली दीदी। कह रहा है कि एक बैग में चार टिकट है, हैविंग द नंबर 112, 121, 211, 222, रिटन ऑन द देम। इफ वन टिकट इज ड्रॉन रैंडम एंड आई इज इक्वल टू 123 बी द इवेंट दैट द, फिर क्या लिखे, आईएस्ट डिजिट फ्रॉम द लेट ऑन द नंबर ऑफ टिकेट 1 एंड टेस्ट वेदर द इवेंट A1, A2, A3 और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यह बात को साबित करना है। तो A1 घटना को आपने लोग ने देख लिया, A2 घटना को आप लोग देखा, A3 घटना को पहले देखा, तो कैसे लिखे रूपाली जी, बताया जाए कैसे लिखे? हाँ से उतना भी डिजिट पे वन होना चाहिए।
ओ क्वेश्चन ये कह रहा है, हम समझ गए, इतना देर में हम समझते हैं ना। A1 का मतलब ये हुआ कि पहला वाला डिजिट 1 होना चाहिए। पहला वाला डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और A2 का मतलब यह हुआ कि दूसरा डिजिट 1 होना चाहिए, और A3 का मतलब यह हुआ कि तीसरा डिजिट 1 होना चाहिए। यही बात हुआ ना। आ गया कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, सब लोग को आ गया करने? तो उस टिकट में पहला वाला की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी A1 तो A1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2 पहले से है, 4 बाद में, तो 2/4। प्रोबेबिलिटी A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी 2/4। प्रोबेबिलिटी A3 निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 2/4। बोलिए भाई, अब एक सच सच बात बताइए, तीनों में कोई कॉमन है? A1, A2, A3 तीनों में कोई कॉमन है? यस या नो? कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, यस सर, A1, यस A2, सर। A3 में तीनों में कोई कॉमन है? नहीं, 1 मिनट। नहीं सर, नहीं सर, अगर यस है सर, तो बोला जाए। नहीं सर, नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, और नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आईटी में पूछा था तो यहां पर लोग हिल गए थे। नहीं सर, नंबर ही ऐसा ऐसा दे दिया कि कोई भी कमेंट मार देगा। अरे भाई, तो नंबर देने से तुम क्या हिल जाओगे? नहीं, नहीं सर, मोर्चा को मुझे संभालना पड़ेगा। यहां पर बात है इंडिपेंडेंट का, तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर, अगर इंडिपेंडेंट अगर है, अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 बराबर, अगर प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी A3, अगर यह ऐसा हो जाता है तो तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपस में तीनों क्या हो जाएगा? लेकिन गौर से देखो मेरे दोस्तों, A1 A2 A3 फाई है, फाई मतलब 0 हो गया, और इसमें कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है, यानी 0 नॉट इक्वल 1/8। क्या कुशाग्र जी इसमें सहमत हैं? कैसे कैसे यस दीदी, काहे तकलीफ में पड़ते हैं? 1/2, 1/2, 1/2। बोलिए, यानी ABC की अगर हम बात कहें तो यह इंडिपेंडेंट नहीं है। बोलिए कुशाग्र जी, अजय प्रताप जी एंड कृति श्रीवास्तव जी, संजीव यस जी, सर, इंडिपेंडेंट नहीं हाँ है। सर, ओके इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं पेयर वाइज बात करूं, किसकी बात करूं? पेयर वाइज मतलब कृति श्रीवास्तव कुशाग्र जी के साथ, कृति श्रीवास्तव जी अजय प्रताप जी के साथ, और कुशाग्र जी कृति श्रीवास्तव जी के साथ, तो ये लोग इंडिपेंडेंट है मैच वाले। और कैसे हैं, ये बात को सीखना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। अगर A1 और A2 की अगर हम बात करें ना, तो देखो A1 A2 में कुछ कॉमन है, गौर से देखो, है कॉमन, 1/1/2, 1/1/2 है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहां पर हमारा आपका आ जाएगा 1/4, और इधर भी निकालेंगे तो 1/2 × 1/2, यानी पेयर वाइज हम कहें तो A1 A2 जो है आपका क्या है? A1 A2 क्या है बताओ? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इसी ढंग से अगर A2 A3 की बात करें, किसकी बात करें, तो A2 A3 में देखो तो कौन कॉमन है? ये वाला कॉमन है,
बोलो। और A1 A3 में भी एक कॉमन है, यानी इसका सही जवाब होगा यहां पर, चूंकि ये जो क्वेश्चन पूछता है तो पहला यहां पर लिखेगा ऑप्शन में A1 A2 A3 क्या इंडिपेंडेंट है, तो बोलेंगे ना। फिर दूसरा ऑप्शन में लिखेगा कि A1 A2 A1 A3 A2 A3 क्या इंडिपेंडेंट है, यस, यानी यह पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। क्या है क्या है, जल्दी बताओ। आ गया समझ में, कुशाग्र सत्यम जी, अजय प्रताप जी, कृति श्रीवास्तव जी, रूपाली जी, अंशन जीव यस जी, और सर, आपके पार्टनर। मजा आ रहा है सब लोग को, लगता नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया क्या? यस सर आ रहा। ठीक है अजय प्रताप जी, सर मजा आया। यस सर आया। आप इसके आगे भी मजा ले ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिए, टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस को फेंका गया शकुनी मामा। सबसे ज्यादा डाइस कौन फेंका है, जल्दी बताओ। फाइंड द शकुनी मामा प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अपॉन द नाइन इफ इट इज नोन दैट नंबर 5 ऑलवेज ऑक्युपाई क्या ऑन द फर्स्ट डाइस। मजा आ गया, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को तो तुम लोग बना दोगे यार, बहुत इजी है, इसमें हमको कलम लगाने की जरूरत है क्या? अरे पहले डाइस फेंक देगा, 36 हो जाएगा ना भाई, 9 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देगा, बोलो हाँ जाना। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा कि पहला में 5 आए, तो पहला 5 आएगा तो 5 4 9 होगा, बोलो ना भाई। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो हम लोग कल मिलते हैं, ऐसे आज वीडियो एक लोड हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका बेस थ्योरम का वीडियो कल लाइव चलेगा, ठीक है? कल की क्लास स्ट्रीम लाइव, बेस थ्योरम, मोर्चा संभालेंगे रूपाली जी, आ जाइएगा। तुम तो आई नहीं थी, आज हो।